आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 कदम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। करहिया गांव के पास एक अनियंत्रित बाइक सवार ने सामने से आ रही बाइक में मारी टक्कर, दो लोग हुए घायल। गामा थाना क्षेत्र के ताड़ीघाट बारामुख मार्ग पर करहिया गांव के पास एक मोटरसाइकिल चालक अपने परिवार के साथ गंतव्य को जा रहा था कि सामने से आ रहे एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने अनियंत्रित होकर उसमें टक्कर मार दी, जिससे एक बच्चा सहित दो लोग घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका प्राथमिक इलाज चल रहा है। प्राथमिक विद्यालय जमसड़ा में स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, खंड शिक्षा अधिकारी रहे मौजूद। खबर जखनिया के जमसड़ा गांव से है, जहां जमसड़ा गांव के प्राथमिक विद्यालय में स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम खंड शिक्षा अधिकारी राममूर्ति यादव मौजूद रहे। खंड शिक्षा अधिकारी ने माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। इस दौरान कबड्डी प्रतियोगिता में बालक वर्ग में जफरपुर प्रथम, कोठिया द्वितीय, बालिका वर्ग में जफरपुर प्रथम, खड़ौरा द्वितीय रही। वहीं 100 मीटर की दौड़ प्रतियोगिता में प्राथमिक पाठशाला बिथरिया के आदित्य गिरी प्रथम व द्वितीय गुड्डू रहे, तो वहीं 400 मीटर की दौड़ में रशीद अंसारी जबकि गोलू द्वितीय स्थान पर रहे। इस दौरान स्कूल परिसर में काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित रहे। जमानिया स्टेशन चौकी प्रभारी अमित कुमार पांडे का हुआ तबादला, पुलिस कर्मियों ने दी विदाई। खबर जमानिया से है, जहां बुधवार को विदाई समारोह का आयोजन कर जमानिया स्टेशन चौकी प्रभारी अमित कुमार पांडे को चौकी व कोतवाली के पुलिस कर्मियों ने फूलमाला पहनाकर उन्हें विदाई दी। बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जनपद के विभिन्न पुलिस कर्मियों के कार्यक्षेत्र में परिवर्तन किया जा रहा है, जिसके क्रम में जमानिया स्टेशन चौकी प्रभारी अमित कुमार पांडे का तबादला गहमर थाना अंतर्गत सेवराई पुलिस चौकी पर कर दिया गया है। गाजीपुर के छावनी लाइन स्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर कार्यशाला का किया गया आयोजन। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर में भारतीय जनता पार्टी के छावनी लाइन स्थित जिला कार्यालय पर बृहस्पतिवार को विधायकों, विधानसभा विस्तारकों, विधानसभा प्रभारियों, जिला पदाधिकारियों, मंडल अध्यक्षों, मंडल प्रभारियों एवं मोर्चा के अध्यक्ष महामंत्रियों की कार्यशाला छावनी लाइन स्थित भाजपा कार्यालय पर संपन्न हुई। कार्यशाला में जिला प्रभारी अशोक मिश्रा ने वृत्त आमंत्रण के साथ विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत संगठन संरचना पर विस्तार से चर्चा की एवं कार्य विच्छेदन की जानकारी देते हुए सभी को सतर्क किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में राष्ट्र के निर्माण की बुनियाद मजबूत हुई है, इसमें हमको भी अपना बढ़ चढ़कर और ज्यादा योगदान देना है। वहीं सरकार के कामों को जन जन तक पहुंचाना भी हम सबकी प्राथमिकता है, इसमें आज से ही जुट जाना है। करंडा ब्लॉक परिसर में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने वितरित किए स्मार्टफोन। खबर गाजीपुर के करंडा से है, जहां करंडा ब्लॉक परिसर में सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन वितरित किया। राज्य मंत्री ने बताया कि यह स्मार्टफोन वितरण पूरे उत्तर प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को वितरित किया जा रहा है। इसी क्रम में करंडा ब्लॉक में 60 स्मार्टफोन वितरित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह स्मार्टफोन इसलिए वितरित किया जा रहा है ताकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपने कामों को सुचारू रूप से कर सकें। पानी से घिरा है सरदरपुर गांव, जान जोखिम में डालकर नाव से पढ़ने जा रहे नौनिहाल बच्चे। खबर गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र के सरदरपुर गांव से है। आपको बता दें कि सरदरपुर गांव पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ है, वहीं गांव का मुख्य मार्ग पानी में डूबकर जलमग्न है, रास्ते टूट चुके हैं। आप इन तस्वीर में देख सकते हैं कि गांव के नौनिहाल बच्चे अपने जान को जोखिम में डालकर नाव के सहारे स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में शासन प्रशासन व जनप्रतिनिधि पर सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि यह गांव का मुख्य मार्ग बारिश की पानी से डूबा हुआ है। अब तक जनप्रतिनिधियों के द्वारा इस मामले पर कोई भी गंभीरता या ठोस कदम उठाते दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं स्कूल चालू होने के बाद इन नौनिहाल बच्चों और माता पिता को मजबूरी है स्कूल भेजना और बच्चों को स्कूल जाना, लेकिन यह तस्वीर आप देखकर समझ सकते हैं कि किस कदर उत्तर प्रदेश सरकार व शासन
बच्चों को लेकर सजग है। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। नौनिहाल बच्चे अपने जान को जोखिम में डालकर स्कूल नाव के सहारे पढ़ने जा रहे हैं और घर वापसी भी नाव के सहारे ही वापसी कर रहे हैं। कहीं न कहीं यह जानलेवा साबित हो सकता है। बुरैनी बड़े पुल पर शादियाबाद पुलिस ने किया चेकिंग अभियान। चेकिंग अभियान में 10 लोगों का काटा चालान। खबर शादियाबाद से है, जहां शादियाबाद थाना क्षेत्र के बुरैनी बड़े पुल पर रात 8:30 बजे शादियाबाद पुलिस के द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें शादियाबाद पुलिस ने चेकिंग अभियान में 10 गाड़ियों का चालान काटा। इस दौरान सभी आने जाने वाली दोपहिया गाड़ियों की गहन चेकिंग की गई। खानपुर के लौलाहा में मिनी बैंक संचालक ने 3 अज्ञात उच्चकों के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा। खबर गाजीपुर के खानपुर से है, जहां थाना क्षेत्र के लौलाहा में उच्चकागिरी के शिकार युवक ने 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बता दें कि जगत नारायण निवासी नायकडी ने बताया कि लौलाहा से उदासपुर मोड़ पर फिनो बैंक के शाखा पर मंगलवार की शाम 4 बजे 3 युवक काउंटर के अंदर आए। तीनों युवकों ने कर्मचारी लक्ष्मण को बातों में उलझाकर काउंटर पर रखे बैग को लेकर भाग निकले। तीनों युवकों के जाने के बाद जब 33,000 रुपए और 2 मोबाइल रखा बैग गायब देखा तो लक्ष्मण के होश उड़ गए। जगत नारायण ने तत्काल स्थानीय पुलिस को इस बात की जानकारी दी। थाना अध्यक्ष यजुवेंद्र सिंह ने बताया कि उच्चकागिरी करने वाले युवकों की तलाश की जा रही है। घटनास्थल से 4 किमी दूर आजमगढ़ और जौनपुर जिले की सीमा लगती है, इसलिए उच्चके गैर जनपद की ओर आसानी से निकल गए होंगे। पुलिस लगी हुई है, जल्द ही वह गिरफ्त में होंगे। हिंदू युवा वाहिनी भारत के प्रदेश अध्यक्ष नितेश सिंह ने विभिन्न समस्याओं मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस अधीक्षक को सौंपा। सेवराई तहसील के हथौरी गांव निवासी हिंदू युवा वाहिनी भारत के प्रदेश अध्यक्ष नितेश सिंह के द्वारा दिए गए पत्रक में बताया कि जिले में सरकारी गौशालाओं में गौ माताओं का शोषण तथा साफ सफाई के अभाव में उनके स्वास्थ्य बिगड़ रहे हैं। लगभग प्रत्येक गौशालाओं में गौ माताओं की मृत्यु की संख्या बढ़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन पुलिस अधीक्षक गाजीपुर रामबदन सिंह को सौंपते हुए कहा कि यथाशीघ्र जिले के सरकारी गौशालाओं में गौ माताओं का शोषण बंद हो, साफ सफाई एवं चारा पानी की बंदोबस्त पूरी तरीके से की जाए। गांव के जल जमाव की स्थिति गंभीर हो गई है, जल्द से जल्द इन समस्याओं के निराकरण के लिए सकारात्मक पहल किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन को बाध्य होंगे। गाजीपुर के लंका मैदान में दीपावली मेले का हुआ शुभारंभ। खबर गाजीपुर से है, जो गाजीपुर के लंका मैदान में भव्य रूप से मेले का आयोजन किया गया। मेले का शुभारंभ सहकारिता राज्य मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत एवं विधान परिषद सदस्य विशाल सिंह चंचल, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद सरिता अग्रवाल, मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता एवं अन्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। बता दें कि लंका मैदान में करीब 300 दुकान दीपावली मेले के मद्देनजर लगाने का निःशुल्क व्यवस्था किया गया है, जहाँ पर सभी तरह के दुकानदार अपनी दुकानें लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर आने वाले लोगों के मनोरंजन के लिए भी शासन के द्वारा व्यवस्था किया गया है। दोपहर 12 बजे से शाम 8 बजे तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते रहेंगे। इसके अलावा बच्चों के लिए झूला आदि भी लगाया गया है। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।